एशिया कप 2018 सुपर चार के दौर में पहुंच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के सेकंड चरण की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर भारत और बांग्लादेश सुपर चार का पहला मैच खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आमना सामना हो रहा है। बहरहाल, अगर भारत और बांग्लादेश के मैच की बात की जाए तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और अगर टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो टीम इंडिया में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, जहां पर चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर यह बड़ा बदलाव इस वजह से हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान हार्दिक पांड्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन उन्हें चोट लग गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि रविंद्र जडेजा इस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।